जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। एक खबर आ रही है दिल्ली से। बाहरी दिल्ली के रानीबाग थाना पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात को सुलझाया। पुलिस ने 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद लूट की वारदात में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मर्डर सहित कई मामलों में आरोपी पहले भी कर रहे हैं शामिल। दरअसल बाहरी दिल्ली के DCP समीर शर्मा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते 21 मई को डकैती की एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह रानीबाग इलाके से आ रहा था, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डालकर 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात के बाद DCP समीर शर्मा और SCP वीरेंद्र कादियान के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मनोज कुमार, स्पेशल स्टाफ के सब इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह, ASI राकेश, हेड कांस्टेबल नवदीप त्यागी, कांस्टेबल संजीत, कांस्टेबल अनिरुद्ध, कांस्टेबल विजय की एक टीम का गठन किया गया। टीम ने वारदात के आस लगे लगभग 300 से अधिक CCTV फुटेज को खंगालने के बाद पाया कि आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए काफी देर तक इलाके में घूमता रहा, जिसमें उन्हें शिकायतकर्ता के घर के पास देखा गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता का वारदात में शामिल होने का संदेह पुलिस को हुआ। पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता से लगातार सख्ती से पूछने पर शिकायतकर्ता कमलदीप टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में शामिल सभी 3 आरोपियों को उनके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि चारों को पैसे की जरूरत थी और आसानी से पैसा कमाने के लिए उन्होंने इस डकैती की योजना को रचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मनीष और रवि पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल यह चारों ही दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं और दिल्ली पुलिस द्वारा वारदात में लूटी हुई रकम 10 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। जगत न्यूज 24। डिस्ट्रिक्ट में अभी एक 21 तारीख को एक काफ़ी सनसनी वारदात हुई थी, जिसमें कॉल आती है दोपहर के टाइम पे 1 बजे कि एक मोटरसाइकिल पे मिर्ची डाल के उस आदमी के 10 लाख रुपए ले लिए। इस पे हमारी टीम जो है सारे सीनियर ऑफिसर सब सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये रॉबरी की कॉल है और इसमें दिन दिहाड़े ये उसमें होती है, रोड में रॉबरी होती है, तो इसमें हम डेडिकेटेड हमारी टीम्स काम करना स्टार्ट कर देती है। इसमें जो कंप्लेनेंट होता है, इसमें खास बात यह है कि जो हमारा जो कंप्लेनेंट होता है जिसका नाम है कमलदीप है, वही जो जिसने कंप्लेंट की है वही इसमें शामिल होता है। पहले तो हम इसको काफ़ी इंटरोगेट करते हैं, जिससे वो खुलता नहीं है, बताता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली था। उसके बाद फिर हमने इसमें CCTV की मदद से, हमारी जो टीम है स्टाफ की और रानीबाग की पुलिस स्टेशन की टीम है, वो CCTV की मदद से उनका रूट चेक करती है कि कहाँ वो उनकी स्कूटी गई, काले रंग की स्कूटी होती है इसमें, और कम से कम कोई 35 किलोमीटर तक वो चेक करते हैं। स्लोली स्टडली रोज़ काम हो रहा होता है 21 तारीख की है, और उसके बाद हमें लास्ट में जहाँ उनकी स्कूटी रुकती है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारा एक केस क्रैक होता है। इसमें जो पता चलता है हमको कि जो स्कूटी है वो एक रविंदर नाम के आदमी की है जो इसमें वारदात में इस्तेमाल हुई है, और एक कमलदीप आदमी जो हमारा कंप्लेनेंट है, जो बेसिकली पैसे लेके जा रहा था, वो मिलता है इसको रविंदर को मिलता है, और रविंदर के साथ साजिश करके 2 लड़के जो मोनू और मनीष और रवि, जो साथ सारे मिलके साजिश करते हैं किस तरीके से ये 10 लाख जितना भी पैसा जो लेके जा रहा है कमलदीप, उसको कैसे लिया जाए। तो उनका पूरा प्रॉपर प्लान होता है, पहले स्कूटी में उसका वेट करते हैं कमलदीप का जब वो पैसे लेके जा रहा होता है, और वो पैसे जैसे ही वो मौके पर पहुँचता है तो वो स्कूटी उसको लगा के, इवन ये भी इसमें ऐसा करता है कि वो मिर्ची भी फेंकता है वेट करने के लिए ताकि पुलिस को शक ना हो, वो आंखों में मिर्ची भी फेंकता है, क्योंकि ये रविंदर बोलता है कि मिर्ची कम फेंकना, तो ये इनकी आपस की पूरी सेटिंग होती है। उसके बाद हमने इनको रिकवर किया, इसमें हमारे पास अभी ऑलमोस्ट सारी रिकवरी हो गई है, और इसमें चारों जो है गिरोह इनका जो है अरेस्ट कर लिया है। इसमें रविंदर की मनीष की पुरानी इन्वॉल्वमेंट भी है, 7 क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं इसके पहले के, और ये बेसिकली क्रिमिनल को इन्होंने लिया साथ में और क्रिमिनल से ये इन्होंने वारदात कराई।